बस हेलो सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा सूरज का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा लखनऊ अमेठी में रविवार असल सुबह नवनिर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी के खास भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सुरेंद्र सिंह था, वह बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान थे। हत्या बरौलिया के ही तड़के 3 बजे हुई। सुरेंद्र ने अभी चुनाव प्रचार में जमकर हिस्सा लिया था, वह बहुत बार स्मृति ईरानी के साथ दिखाई देते थे। सुरेंद्र स्मृति ईरानी की जीत का जश्न मनाकर घर लौटे थे, हमलावरों ने घर आकर ही उन्हें गोली से मार दिया। गोली की आवाज़ सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने हथियारों को ललकारते हुए घेरने की कोशिश की, लेकिन वे गोली चलाते हुए भाग निकले। गांव के लोगों ने सुरेंद्र को तुरंत अस्पताल लेकर भागे, जहां उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां ट्रामा सेंटर में पहुंचकर सुरेंद्र ने दम तोड़ दिया। उधर अमेठी में पुलिस ने 3 संदिग्धों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस बीच बरौलिया गाँव में तनाव है। दरअसल सुबह होते होते जब चारों तरफ खबर फैली तो अनेक गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा की पहली घटना रायबरेली में हुई। वहां कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह पर प्राणघातक हमला हुआ। कुछ देर बाद उसी जगह एक बाहुबली के करीबी की हत्या हो गई। 2 दिन पहले फतेहपुर में कांग्रेस समर्थक की हत्या कर दी गई थी। उधर शनिवार आधी रात के बाद गाजीपुर में विजयी सांसद अफजाल अंसारी के करीबी को गोलियों से भून दिया गया और उसी के कुछ घंटों बाद सुरेंद्र की हत्या अमेठी में हो गई। चुनाव खत्म होते ही हिंसा की ये घटनाएं चिंता की बात हैं और लोग कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद बरौलिया गाँव में गम और गुस्से का माहौल है। दोपहर बाद यहां पहुंची सांसद स्मृति ईरानी ने घर पहुंचकर सुरेंद्र सिंह की पत्नी, बेटियां और बेटे से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब इस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। स्मृति ईरानी सुरेंद्र सिंह की अर्थी को कंधा देते हुए गांव के नज़दीक स्थित शमशान घाट तक गई, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।